सब नराम राम भाई, हम फिलहाल बेणी महाराजपुर में बैठे हैं और हमारे साथ एक परिवार मौजूद है। आपने पहली वीडियो में देखा कि एक ज्योति नाम की लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल है, जो इंद्रगढ़ गांव में बह रखी थी कपिल नाम के लड़के के साथ, उसकी शादी हुई थी, दो बच्चों की माँ है और उसकी मौत हुई है और उस मौत पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई है। कभी इसमें सामने आया है कि भाई लड़की ने सुसाइड कराया है, कभी बोल रहे हैं उसको हार्ट अटैक आया है, कभी बोल रहे हैं उसने कुछ जहरीला पदार्थ खाया है, तो कभी बोल रहे हैं उसने हैंगिंग यानी कि फांसी खाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग का ही आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हैंगिंग आई है, लेकिन परिवार जो चाह रहा है, परिवार कह रहा है भाई हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं की, वो मर्डर है। भाई साहब आप सबसे पहले कौन है भाई साहब? राम राम आप। राम राम भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय है, मैं ज्योति के चाचा का लड़का। ज्योति के चाचा, तो आप भाई हो ज्योति के? भाई साहब आपने ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई जिस जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आ गई, ठीक है, फांसी खा रखी है, तो आपको क्यों लग रहा है कि ये मर्डर है? जैसे उनका 1 बजे के तकरीबन फोन आया, उनका 1 बजे के तकरीबन फोन आया कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया। 20-25 मिनट में हम पहुंच गए, पहुंचते ही जैसे देखा तो उन्होंने सारी अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी। घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था जिसमें गोसे थे, लकड़ी थी, सब कुछ तैयारी कर चुकी थी उन्होंने। जैसे हमने देखा कि हमने पूछा कि भाई कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई इस पंखे के लटक के सुसाइड किया है। मेरी सिस्टर का वेट तकरीबन 70+ था, तो हमने पंखा देखा, पंखा मतलब बिल्कुल भी ना उसमें तोड़फोड़ थी, ना कोई मुशा हुआ था बिल्कुल भी। उसके ऊपर जैसे धूल जमी होती है वो एजिटीज थी, उसमें कोई भी वो नहीं था। हमने पूछा कि किसने उतारा, उन्होंने कहा कि अकेले ने उतार दिया। अब कपिल ने बोला, ये कपिल ने बोला कि अकेले ने उतार दिया। कैसे उतारा, रस्सी काटी या क्या किया? बोला कुछ नहीं, ये टंगी हुई थी और आराम से खोल दी, रस्सी खोल दी और ये नीचे गिर गई। तो इन सारी बातों से जैसे शक की शुरुआत हुई कि ये आत्महत्या नहीं है, एक मर्डर है। उसके बाद जैसे पुलिस प्रशासन आया, पुलिस प्रशासन ने देखा कि कोई सुसाइड नोट हो घर पे, सुसाइड नोट कोई मिला नहीं, तो पूछा कि लड़की के पास लड़की फ़ोन रखती थी, तो क्या हाल रखती थी? फ़ोन कहीं नहीं मिला, फ़ोन मिला लॉकर में घर पे, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया गया था। इन सभी बातों की वजह से ये लग रहा कि बिल्कुल ये मर्डर था, सुसाइड नहीं था। अच्छा अच्छा, तो अभी तक जिस तरीके से भाई पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, हैंगिंग लिखने के कारण अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये सुसाइड है, तो आप लोगों ने वहां जाके या अब तक ये भी कारण पता करें भाई क्यों सुसाइड करें? हमने ऐसी क्या नौबत आई जो तीनों मरना पड़ा? प्रशासन हमारा साथ ही नहीं दे रहा इस बात की, इस बात का संतोषजनक जवाब उनके पास है ही नहीं। हमने पूछा क्या कुछ हुआ, तो जो कपिल हैं, कपिल ने ये कहा कि मैं उस समय मौके घर पे नहीं था, मैं खेत में था, खेत में से घर से आया तो सुसाइड ये लड़की यहाँ पड़ी। ये मेरा वो निर्दोष ही हो, कुछ थोड़ी मोटी कलह के कारण महिला है भाई, कर की हो कार्रवाई, कोई फांसी खा गई ऐसा भी? अगर कोई फांसी खाता तो दिखती बात है, अगर गेट तो बंद करेगा कम से कम, तो पूछा बोला गेट तो खुले थे, सफाई वो ही दे रहा है घर पे, ओन मौके पे कौन थे? देवर था, देवरानी थी, वो बिल्कुल भी सामने नहीं आए हमारे, एक बार भी सामने नहीं आए कि क्या कुछ हुआ। बार बार कपिल जी सफाई दे रहे हैं और वो सफाई वो दे रहा जो ओन मौके पे जिस समय घटना घर पे ही नहीं था, जो घर पे थे वो एक बार भी हमारे सामने नहीं आए, उन्होंने एक बार भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि कैसे क्या कुछ हुआ। तो देखिए ये ज्योति की माँ है और ज्योति की बुआ, परिवार की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूरे सबका ये कहने का मतलब है भाई इस मामले में, इस जो अगर ये सुसाइड भी है तो सुसाइड क्यों होया, और परिवार तो इसको मर्डर बता रहा है, तो जांच होनी चाहिए, यही चाहते हो भाई साहब? हाँ जी। चलो ये मर्डर नहीं है, उन वाली बात ऊपर कर रहे हैं, मर्डर नहीं है, सुसाइड कर लिया गुड़िया ने, चलो बट कर लिया, कोई तो कारण होगा, किस कारण सुसाइड किया, कौन अपनी जान देके खुश होगा जी? वो कारण दे दो हमको भाई, क्या कारण है वो कारण, कौन निकालेगा? प्रशासन निकाल लेगा, प्रशासन कोई वो नहीं कर रहा। अंकल जी ने कुछ बातें बताई हैं कि भाई जेवरों का कुछ झगड़ा चल रहा था या कार वगैरह का कोई मैटर था जी? बोलो। मेरे पास जी शाम को 5:30 बजे बेटी को फोन किया है, हम हॉस्पिटल में थे, बच्चा हुआ है, एतवार के बाद 4:15 बजे बेटी का फोन गया है, 5:30 बजे मेरे पास। आपके लागू हमारी ज्योति के? बाप उसकी ताई लागू जी, बड़ी माँ, माँ बोले आकर जी, बड़ी माँ कहते जी। हाँ बड़ी माँ जी। तो फिर उसका फोन किया, माँ मखा हाँ हमारा लड़का हुआ, बहुत अच्छी खुशी हुई, मैं हॉस्पिटल में आऊंगी। मैं बोली बेटी हॉस्पिटल में मत आना, आप घर आ जाइयो। फिर ताऊ जी ने नहीं बोला, मैं सारी लड़कियों को घर बुलाऊंगा, माँ जी मेरे पर नहीं रह जाता, मैं यहाँ पर आऊंगी। मैं बोली बेटी आप ठीक रहते हो? माँ जी ठीक नहीं रहते।
माँ बेटे के बात जो मान ले बासीवाड़ी लड़की हो हमको बहुत परेशान कर रही है। माँ बेटे क्यों कर रही है? जो मेरा जेवर था उतार कर वो सारा जेवर मेरी दुरानी को दे दिया। बेटे क्यों दिया? अक जबरदस्ती से वह सासू जी ने बोल रही है अक फलानी गाड़ी लाई दकड़ी गाड़ी लाई हमको उसको गाड़ी की भी दबाव हमारी बच्ची को दी है। उसको जेवर काड़ा निकाल कर न मैं बोली बेटी आप अलग हो जाओ अलग कपील नहीं होने देता अक भी मैं तने अलग नहीं होने दे उसकी बेटी की जबरदस्ती होगी ठीक हो गया। मैं बोली बेटी आप घर पर आ जाओ। माँ घर पर कैसे आऊँ कपील नहीं आने देता मेरी जबरदस्ती ज़्यादा कर रखी है। मैं बोली बेटी इस बात का भी समाधान हम करेंगे। फिर जी कपिल आ गया एक बार तो शुरू में बोलिया फिर ये यहाँ पर बंदे मारे चले गए। कपिल बोलिया अक मैं तो कहा था अक मैं तो खेत में जा रहा था चारा लेने के लिए। फिर दूसरे बात बोलिया अक भी मैं तो पंचायत वगैरह जा रहा था। दो बजना आ गई। तीसरी पर बोलिया अक जी मैं तो बाहर से आया मैंने यहाँ पड़ी पाई है। तीसरी आ गई। चौथी बार उसको यो जवाब दिया पंखा कलट करी थी पंखा कलटने के कारण या मैंने उतारी है। तो जी आप नू सोचो पंखा कलट की है तो किस कारण लटकी है? मारी को तो आप खाई है या भी बात सबूत दो हम इस बात की सहमत हाँ। तो उसको दबाव दिया मारी बेटी को देज का दबाव दिया है तो हम उसका कैसे मान सका हूँ? मारी बेटी पर दबाव दिया हमारे घर पर भेज दें दे। उसके भाई भी थे आठ भाइयों की बाँ है जी अकेली नहीं है हमारी लड़की। मम्मी के पास फ़ोन कर दिया पापा के पास फ़ोन कर दिया पापा ने बड़े भाई के पास फ़ोन कर दिया। हमारा परिवार छह भाइयों का परिवार है हमारा परिवार सारा लगभग उसके साथ में भाग गया। जिस तरह माई पिछली वीडियो में जो तीन पिताजी ने बताया है हाँ जी कि उनके परिवार में के लड़के ने देवर ने कार मिली है तो हाँ जी यो जो कपिल है यो भी कार यो कर रहा है मेरे को कार मिलनी थी वो सासू की बोल रहा है जी उसके कार मिलने पे छलाल सजा की है या पहले लालच करते थे इस गाय नहीं पहले कोई नहीं पहले जी कोई जरूरत नहीं सुन रहे एक बार कोई जरूरत नहीं थी जी पहले हमारी लड़की खूब अच्छी तरह रही है कपिल अच्छी तरह खूब रखा है। जिस टेम या बासीवाड़ी लड़की आई है उस टेम कपिल को खूब परेशान बेटी मारी राखी है। बेटी मारी ने बच्चे तैयार किए हैं स्कूल में भेजे हैं खूब अपना नहा धोकर अपना सारा श्रृंगार भी करया है। देवर के पास हुआ तूड़ी भी लाई है तो उसको आप फांसी कैसे डाले जी? एक ने तो उसकी नाड़ दबाई है दो यहाँ को रस्सी गाल कर खिंचाई करी है। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है ये सुसाइड नहीं मारी गई है? मारन में बच्चे कौन है? एक सास का हाथ में है जी कपिल का हाथ भी में है दुरानी कर देवर का हाथ में है और ननंद की साथ साइड लाई उड़ी है भैया ननंद के काम की आया है। आंटी जी बच्चे छोटे हैं अभी? हाँ जी छोटे 6 साल की उम्र है बड़े वाले बेटे की तो। लेकिन फिर भी जिस तरीके से की वीडियो अभी जो पहले इससे पहले जो वीडियो आई है उसमें बच्चों का कहना कि साहब जिस दिन ये पूरी वारदात हुई उस दिन भी जो किसी कड़ों को लेकर जो है झगड़ा हुआ था उसको जी कड़ों को नू बोला था वह अपने घर से कड़े ले गई थी उसको दुरानी को नू बोला ये कड़े मेरे हैं वह नू बोली मैं अपने घर पर से ये कड़े ले आई हुई हूँ। उसको कपिल को दबाव पूरा दिया है देवर को भी दबाव दिया सास को भी दबाव दिया है। मारी बेटी ने जी बोलन की कोशिश नहीं करी आपका बाप की इज्जत का नहीं लखाई है परिवार का नहीं। उसको जी साल भरते उरान उरान बेटी ने अपनी ने खूब इज्जत बचाई है मारे से उसको बात माड़ी माड़ी माड़े करती रही। हम नू माने गए भी अपनी बाप की इज्जत का नहीं मैं लखाऊँ आखिरी में जी उसका आत्म उनको कर दिया हम इसका समाधान चावा। मेरे ताऊ जी गाँव के सरपंच रहे हैं और हम 1 बजे गए थे उस टाइम पर तो 1 बजे उन नन्नू कही थी कि हमने संतुष्ट कर दिया कि हमारी लड़की नन्नू सुसाइड कराया है पूरा गांव पे और अन्य गांव के भी सरपंच आ रहे थे उन गांव के भी थे मौजूद आदमी किसी पर कोई संतुष्टि का जवाब नहीं था। जब आर के 6 बजे पोस्टमार्टम खातर हम PGI में ले गए थे अगर वो संतुष्टि का जवाब दे देंगे तो उस टाइम पर भी अंतिम संस्कार उड़े हो जाओ। माता जी कौन सी है जी? माता जी ये है जी ताई जी मैं हूँ छोटी चाची वहाँ है एक छोटी चाची वहाँ खड़ी है और ये हमारा सारा परिवार। एक भाई साहब आपसे लास्ट क्वेश्चन है अगर ये वीडियो पुलिस प्रशासन आपकी देखती है जी तो क्या कहना चाहोगे डायरेक्ट जो है पुलिस प्रशासन से की रिक्वेस्ट है जी कि बिल्कुल कोई भी किसी भी पक्ष की मेयर ना लो
जिसने जो कसूर कराया उसने सजा मिलनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी तीन साफ चाहिए। हाँ, पुलिस जी हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं कर रही, हमारी बच्ची जी हम बहुत परेशान कर रखे, कोई भी वो नहीं कर रहा। पहले ये बोल रहा था हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, गुड़िया को दाग देते ही जिसका हम बार बार नाम ले रहे हैं भी सारा गेम इसने रचा हुआ दयानंद कौशिक ने, दाग देते ही हम तो अपने घर की साइड में आ गए। उसी टाइम पे एसएचओ साहब दयानंद कौशिक के घर पे पौना घंटा 45 मिनट 45 मिनट रहे हैं, और जो 20-30 और परिवार वाले बैठे हैं जो भी थे वो सब बाहर निकाल दिए, खाली दो बंदे एसएचओ साहब और दयानंद कौशिक अंदर रहे हैं और पैसे ले गए हैं। हमने खुद बोल दिया एसएचओ को, आपके पास सुनो, खुद एसएचओ ने हां भर ली रात को 8 बजे, उसकी कोई रिकॉर्डिंग? हां हां रिकॉर्डिंग है एसएचओ पे, पैसों की जरूरत? हां उन्होंने एसएचओ ने फिर क्या बोला है वो रिकॉर्डिंग अभी अभी वो वकील है भाई जोगिंदर अपना, उसके पास है वो भी टाइम पे देने की, क्यों भरेगा? हां सुनो उन्होंने क्या इस बात पे हां भरी है, उन्होंने ये बोला भाई गांव में भैंस चोरी हो रही थी, उस भैंस चोरी के पैसे मेरे पास आए थे और वो पैसे मैंने एसएचओ को सौंपे हैं, और यही बात एसएचओ ने खुद अपने मुंह से बताया। मतलब भैंस तो साफ थी वो, वो तो वो देखो ना जी, भैंस के पैसे वाजाना क्या मतलब, वही तो दाग देते ही उसके घर पे दे दो, केएसआई में दे दो पकड़ो या फाल, गांव में सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाएंगे। चलो, और उस टाइम वो कर रहे रोहतक थे, वो उसका देव रोहतक था, उस टाइम की फुटेज है गाँव की उसकी। एक बार और सुनियो जी, जी जी बताओ। हमारी लड़की को जी उसको देज का खूब दाम दी हुई है, फिर जी हमने माले बेटी को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस दिन तक बेटी की शादी हुई थी देवर की चैन दी है जी, गुठी दी है, सासू का हार दिया है, सासू की के टोपस दिए हैं, ननद के टोपस दिए हैं, बटेऊ के कुपील के टोपस, कुपील की चैन है, कुपील की गुठी है, ठीक जी, मतलब हमने देन में कसर नहीं गाली है, बेटी का तुम्हारा नहीं आ रहा, बेटी का हमारा अलग से 7 कासन जी चांदी के हमने हमारी बेटी का पीली हमें दिए हुए हैं, फिर भी उन्होंने हमारी बेटी परेशान खूब करी है, हम इसका समाधान चाहवा, हम अपनी बेटी का समाधान होना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद।